और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप लिंक्डइन का सोशल प्लगइन आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस थीम में। आज के लेसन में हम ये लास्ट सोशल लिंक ऐड करना सीखेंगे, इसके बाद हम जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा वर्डप्रेस वेबसाइट को अपलोड कैसे किया जाता है, इसके अलावा वर्डप्रेस वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन नेम कैसे परचेज किया जा सकते हैं और गूगल में कैसे इसको ऐड करेंगे, इसमें जो है तो गूगल वेब मास्टर टूल के ऊपर देखेंगे, इसी तरह जो है तो बैंक के यहू वेब मास्टर टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद सारा का सारा हमारा SEO और कि आपने अपनी वेबसाइट को जब कंप्लीट कर लेते हैं उसको आप अपलोड कैसे करते हैं, बेस्ट होस्टिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी, सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूँ और वर्डप्रेस में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे विजिट्स एरिया दिया हुआ है, तो मैंने एक विजिट्स टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। बेसिकली ऐड नहीं किया हुआ, इसमें जो हमने ट्विटर के लिए ऐड किया था तो वो मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, जैसे कि आप देखें यहाँ पे, अगर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने जो ट्विटर के लिए ऐड किया था उसे रिमूव करके मैंने लिंक्डइन ऐड कर यहाँ पे किया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास तो ये आ गया और ये आ गया, इसके अलावा फेसबुक आ गया और ट्विटर वगैरह ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी। तो ट्विटर की जगह लिंक्डइन ऐड करना सीखेंगे। तो लिंक्डइन सोशल बटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल, अगर आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट बनाई हुई है उसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा आपको लिंक्डइन से मिल सकती है, तो वो आप अगर ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अपनी अपनी ज्यादातर कोई भी पोस्टिंग ज्यादातर आप लिंक्डइन में ज्यादा क्या करें उससे क्या होगा, एक तो आप उसमें बहुत ज्यादा लिंक बनाए अपने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके उनके साथ लिंक बनाए, और जो वहाँ पे स्टूडेंट है उनके साथ कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई और स्टूडेंट उनके साथ लिंक बनाए, लिंक बनाने के बाद आप जो है तो वहाँ पे पोस्ट काफी सारी शेयर करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग ज्यादा होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी लिंक्डइन डेवलपर प्लगइन, एंटर किया। लिंक्डइन डेवलपर प्लगइन आपके पास एक तो नेटवर्क है इसका और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टूल भी है और शेयर भी है और यहाँ पे वर्डप्रेस का भी एक प्लगइन है जो है तो लिंक्डइन से रिलेटेड। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लगइन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉलो कंपनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने मेंबर प्रोफाइल और भी ऑप्शन है, आप वहां से वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया। इसको ऐड करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ से जाना है जी डॉक्स पे, और यहाँ पे आपने जाना है जी शेयर और लिंक्डइन पे क्लिक करें, यहां से प्लगइन पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे ये प्लगइन आ गए, ये देख सकते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर प्लगइन जनरेटर पे क्लिक करके आपने यहाँ से इसको जनरेट करें। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया प्लगइन, और यहाँ पे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल इसको ऐड करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टली, आपके पास वर्टिकल ऐड करना चाह रहे हैं मतलब इसके काउंट जो है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करते हैं वर्टिकल, और काउंट ऐड नहीं करना चाह रहे तो ना कर लें, वर्टिकल करते हैं तो वर्टिकल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि काउंट में हॉरिजॉन्टल इसको करता हूँ, यहाँ पे URL देना है अपनी वेबसाइट का, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी वर्चुअल अकेडमी की URL दे देता हूँ उसको, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। तो इसका फायदा ये होगा लिंक्डइन का कि यहाँ से आपकी जो भी चीज है उसको अगर भी शेयर करना चाहे तो वहां पे शेयर कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, ऐड करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें। गेट कोड पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से, और ये तभी आपके पास एक्टिव होगा जब आप लिंक्डइन में देखें ऑन होंगे, आप मैं साइन आउट करूंगा तो ये मेरे पास एक्टिव नहीं होगा, जब आप अपने लिंक्डइन अकाउंट में साइन इन होंगे तो तब ये आपके पास कोड जो है तो ये एक्टिव होगा, जनरेट होगा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे विजिट्स में जाके इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखें,
तो आपके पास यहाँ पे देखें तो लिंक्डइन शेयर आ गया, इस पे आप क्लिक करें। तो आप वर्चुअल एकेडमी में आ गए और इसको आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अपडेट सब लिख के आप इसको शेयर करेंगे तो ये जो वर्चुअल एकेडमी का या आपका लिंक्डइन का जो भी चीज है ये सारी सारी वहां पे शेयर हो जाएगी। तो इससे भी यूजर बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये लिंक्डइन का अकाउंट आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे सोशल बटन में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया हुआ है, देख सकते हैं। तो काफी सारी टेक्निक्स होती है जिनकी वजह से आप ये काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना आसान है, वेबसाइट पे काम करना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है वेबसाइट पे यूजर का लाना। तो यूजर तभी आपकी वेबसाइट में आएगा जब आपकी वेबसाइट में कोई कॉन्टेंट्स होंगे और अच्छे कॉन्टेंट्स होंगे, कुछ यूनिक चीजें होंगी, तब आपके पास यूजर ज्यादा आएगा। तो उसके लिए फिर आप यूजर को अपने आपके पास अगर यूजर आ गया उस यूजर को, क्योंकि यूजर आते आके अगर वो वापस दोबारा फिर कभी नहीं आए आपकी वेबसाइट में विजिट नहीं करेगा तो वो आपको नुकसान है उसका। तो उससे आपके यूजर जो वो मतलब कि आपके यूजर आपके हाथ से निकल रहे होते हैं, उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप यहाँ पे लिंक्डइन या सोशल लिंक वगैरह आप ऐड कर ले ताकि यूजर जो है जब आए तो वो अगर आपको आपको फेसबुक पे लाइक कर लेता है या फिर आपको फॉलो कर देता है ट्विटर में या फिर लिंक्डइन में फॉलो कर लेगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लेगा, तो उसका फायदा ही होगा कि वो यूजर जो है जब भी आप कोई पोस्ट फेसबुक में शेयर करोगे उस यूजर तक जरूर जाएगी और वो जब उसको देखेगा तो वो हो सकता है कि वो अगर उसे पसंद आए तो वो दोबारा आपकी वेबसाइट में आए। तो इसलिए सोशल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। इसी तरह अगर यूजर जो है तो आपको वीडियो शेयर करते हैं, वीडियोस को मिल जाते हैं, उसे सब्सक्राइब किया हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप अपने यूजर को अपने जो आपके पास सोशल नेटवर्क है उसके साथ आप जरूर उनको अटैच करें, उनको वहां पे ऐड जरूर करें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन से हम वेबसाइट की होस्टिंग, डोमेन नेम क्या होता है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ नॉर्मल SEO पे काम करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल में कैसे ऐड कर सकते हो, इस तरह गूगल वेब मास्टर टूल कौन से हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।